This is science of class 7th, and today we will continue lesson 3 from here. As I have already taught you till gardening before your tests, that is on 1st June. Now we will start from roving. Let's start. So what is roving? A number of silvers are rolled into a thin rope called roving. So jo silvers hote hain jab silk banane ke dhage mein jo silver ka istemal hota hai, to jitne silvers hote hain wo ek thin rope mein rolled ho jate hain, jisko hum roving kehte hain. Aur wo kis kaam aate hain? Which is used to spin yarn, yani ki wo yarn ke, yani ki wo jo hota nahi jo silk jisse banta hai uske kaam aate hain. Now weaving. Now the fibers are twisted together to make yarn. तो जो fibers हैं वो क्या होते हैं, वो एक साथ twist हो जाते हैं क्या करने के लिए, yarn बनाने के लिए. Which is woven into garments, जो कि बाद में garments की तरह सिला जाता है. Rugs and blankets, garments की तरह सिला जाता है, rugs की तरह सिला जाता है, कंबलों की तरह सिला जाता है. If the combing is a severe, a strong firm cloth called worst इज मेड. तो क्या होता है कि अगर कॉम्बिंग बहुत ज़्यादा सीवियर है, यानी कि अगर उलझ जाता है और सीवियर मोटा कपड़ा बनता है, तो फिर वो एक कपड़ा होता है जिसे वर्स्ट कहते हैं, वो बन जाता है. इफ़ द कनिंग इज लाइट, अगर कंबाइनिंग लाइट होती है, और सॉफ्ट एंड फजी यार्न इज मेड, एक बिल्कुल पतला सा और बिल्कुल मतलब पतला सा और हिलता डुलता एक यार्न होता है, वो बनता है जिसको, जो कि हमें, जिससे कि हमको क्या मिलता है, वो बनने के बाद हमको फैब्रिक मिलता है वीविंग करने के बाद. जब ये यार्न बन जाता है उसके बाद हम वीविंग करते हैं और हमको क्या मिलता है, फैब्रिक. ठीक है. नाउ 3.3 काइंड्स ऑफ वूल्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर्स 3 काइंड्स ऑफ वूल. तो क्या होता है कि उसके ओरिजिन के बेसिस में जो मैन्युफैक्चर होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो 3 तरीके के वूल प्रोड्यूस करते हैं. पहला होता है वर्जिन वूल, इज द वूल दैट हैज़ नेवर बीन यूज्ड बिफोर. तो जो वर्जिन वूल होता है वो वूल होता है जो कि पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया होता. ठीक है. फिर रीप्रोसेस्ड वूल इज़ वन दैट हैज़ बीन निटेड इनटू अनसोल्ड प्रोडक्ट. तो रीप्रोसेस्ड वूल क्या होता है, रीप्रोसेस्ड वूल वो वूल होता है जो कि एक बार एक अनसोल्ड प्रोडक्ट, यानी कि जैसे स्वेटर दुकान में गया, अब सारे स्वेटर, कुछ स्वेटर बिके कुछ नहीं बिके, तो जो नहीं बिके जिस साल, जैसे अब इस साल के जाड़े में तुम्हारी दुकान है, स्वेटर आए, कुछ स्वेटर बिक गए कुछ नहीं बिके, तो जो नहीं बिके हैं और जाड़ा ख़त्म होगा, गर्मी स्टॉक पूरा नया आएगा, तो जो नए, जो पुराने रहते हैं ना, जो नहीं सिले, जो सिले रहते हैं, जो बिकते नहीं हैं, उन्हीं को वापस से खोल देते हैं, और वो होता है रीप्रोसेस्ड वूल. ठीक है. रीयूज्ड वूल इज़ अ वूल इज़ रीयूज्ड वूल इज़ द वन दैट हैज़ बीन मेड एंड यूज्ड और वॉर्न देन रीस्पन. तो क्या होता है कि रीयूज्ड वूल वो वूल होता है कि एक बार जो कि बन चुका होता है, पहना जा चुका होता है, लेकिन उसको वापस से रीस्पन कर देते हैं, वापस से खोल करके बनाते हैं, और उसको हम रीयूज्ड वूल कहते हैं. तो ठीक है, 3 तरीके के वूल होते हैं, समझ गए ना, वर्जिन वूल, रिप्रोड्यूस्ड वूल एंड रीयूज्ड वूल. ठीक है. अब 3.4 सिल्क. सिल्क इज़ ऑल्सो एन एनिमल फाइबर दैट कम्स फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म मॉथ. तो सिल्क क्या होता है, फाइबर होता है जो कि कहाँ से हमको मिलता है, कुकून से. किसके कुकून से, सिल्क वॉर्म मॉथ के. नाउ सिल्क इज़ सैटिनी स्मूथ एंड वाइट इन कलर. तो जो सिल्क होता है वो पतला स्मूथ होता है बिल्कुल, और सफ़ेद रंग का होता है कलर में. इट इज़ एक्सट्रीमली हाई इन टेंसाइल स्ट्रेंथ, और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत होती है, टूटता नहीं है सिल्क. सिल्क इज़ ऑब्टेन बाय रियरिंग सिल्क वॉर्म मोथ्स. तो सिल्क हमको कैसे मिलता है, जब हम सिल्क वॉर्म मोथ्स को पालते हैं. देयर एग्स आर प्लेस्ड इन इनक्यूबेटर्स एंड हैच इन टू टीनी ब्लैक सिल्क वॉर्म्स एंड कैटरपिलर्स. तो क्या होता है कि सिल्क, जो सिल्क वॉर्म के एग्स होते हैं, उनको इनक्यूबेटर्स में रखा जाता है, और जब वो टूटते हैं तो उनसे काले कलर के छोटे छोटे सिल्क वॉर्म और कैटरपिलर्स निकलते हैं. दीज सिल्क वॉर्म्स आर फेड ऑन मलबरी लीव्स. तो ये जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो क्या खाते हैं, मलबरी लीव्स ही खाते हैं सिर्फ. दे ग्रो क्विकली अनटिल दे आर रेडी टू प्यूपेट. तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं जब तक वो प्यूपेट करने के लिए रेडी नहीं हो. एट दिस पॉइंट द सिल्क वॉर्म इज़ प्लेस्ड इन अ स्पेशल कंटेनर वेयर इट स्पिन्स अ कोकून ऑफ सिल्क अराउंड इट. तो क्या होता है कि इस पॉइंट में जब प्यूपेट करने की बारी आती है, तो सिल्क वॉर्म को एक स्पेशल कंटेनर में रखते हैं, जहाँ ये क्या करते हैं, कोकून को घुमाता, मतलब कंटेनर को घुमाता रहता है सिल्क के चारों तरफ. ठीक है. द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क बाय सिल्क मॉथ ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड सेरिकल्चर. और जो प्रोडक्शन होता है सिल्क का, सिल्क मॉथ के द्वारा, जब वो बहुत बड़ी लार्ज स्केल में होने लगता है, यानी कि एमएनसी में जब सिल्क विल्क बनाती है, तो जैसे होने लगता है, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, कहते हैं, वो अलग लाइन होती है और उसको हम कहते हैं सेरिकल्चर प्रोडक्शन. ठीक है, समझ गए ना. वी विल ओनली वन टॉपिक इज लेफ्ट एंड टुमारो आई विल कंप्लीट दिस टॉपिक. थैंक यू.